अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी रात के बज रहे 7:30 और अब मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। किचन में आ गई हूँ और डिनर में आज मैं बनाऊंगी एग की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और एक कुछ नहीं बनाऊंगी, बस यही बनाना है एग की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे एग छिला, ये एग उबला हुआ लेके आया थे छिला हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए छिली हुई है, तो फिर मेहनत नहीं है, सिर्फ बनाना बनाना है। और यहाँ पे मम्मी ने प्याज कट करके रख दिया है और लहसुन है, तो ये सब चीजें हो गई हैं और सिर्फ अब बनाना ही बनाना है। तो फिर काफी दिन हो गए थे एग की सब्जी नहीं बनी थी, एग आता था ऐसे ही खा लेती तो उबला हुआ, क्योंकि तला भुना नहीं बना सकते थे। आप लोग पहले की वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो इसीलिए तो काफी दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं एग की सब्जी, सब लोग खा लेंगे। और अब चल रही हूँ बनाने एग की सब्जी। और मैंने फोन को स्टैंड में लगाया है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, फोन को स्टैंड में लगा दो ना तो सही रहता है कि वीडियो ऑन रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता है कि फोन गिर जाएगा क्या है कैसे है। तो चलो अब मैं सब्जी बना लेती हूँ और आप लोग भी देखो। वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को पता होगा, जो लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर, मतलब चेकआउट लेना नहीं है बस देखना है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि मैं एग की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो चलो बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, सारे एग में इस तरीके से कर लेंगे इसको। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप इसमें इस तरीके से फॉर्क की हेल्प से इसमें छेद नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से नहीं होता है, ये तेल काफी ज्यादा फिर ऊपर छिटक में आ जाता है, आपके फेस में भी आ सकता है तेल। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप इस तरीके से कर दें। थोड़ा सा मैंने बचा दिया तड़के के लिए, अब इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, पहले मैंने मतलब मैंने उसका वीडियो ऑन है बट ऑन नहीं था, कंफ्यूजन हो गई मुझे, तो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। मैंने इसमें डाला है
तेज पत्ता डाल दिया है, दालचीनी डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, बड़ी इलायची मैंने कूट के डाल दिया है और थोड़े से मैंने खड़े प्याज डाल दिए हुए हैं, भून के लाल हो गए हैं। तो उसके बाद से मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी और थोड़ा सा मसाला सारे ऐड कर दूंगी और इसमें मैंने जीरा भी डाला हुआ है। तेल भी छोड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। टमाटर को मैंने एक ही छोटा टमाटर लिया था और मैंने उसे पीस दिया है मिक्सर ग्राइंडर में ताकि मसाला कम डले और हमारी ग्रेवी जो रहे वो थोड़ा ठीक रहे, गाढ़ी रहे। और जो ये टमाटर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे धुल के डाल दूंगी पानी। यहाँ बैठेंगे आदि किचन में। आदि बैठ गए, आदि बैठ गए और सब्जी भी बन गई है। तो अब मैं क्या करोगे आप? ये कोशी। कौन सी चीज है ये? पकड़ है ये। नो, तो पकड़। अब मैं रोटी बनाऊंगी, तो रोटी अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो 8:30-9 बजे तक रोटी बनाएंगे, इस समय जल्दी खाना पीना हो जाता है। तो 8:30-9 बजे तक रोटी बनाएंगे, तब सब लोग खाएंगे और बाल बाल सब बिखरे हुए हैं। क्या है ये देख रहे हैं आप लोग? इतना शैतान बच्चा किसी का होगा? रुक जाओ कर रहे हैं, सामान सेट कर रहे हैं, रख दिए। और सब्जी भी बन गई, आप लोगों ने देखी भी लिया, आटा भी गूंद करके रख दिए हैं। जितना भी टाइम है सब आदमी का है, तो आदमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और देखते हैं आदमी थोड़ा पढ़ लेंगे तो सही है। पढ़ने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं आदमी, जब मन रहता है तब पढ़ते हैं वरना नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए अब चल रहे हैं रूम में लेके और देखेंगे 10-5 मिनट लेके बैठेंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। और ये देखिए डर लग रहा है आदमी गिर न जाए। चलो रूम में चलो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आदमी को किचन में कहाँ खड़े हैं, इनकी आदत देखिए। कोची पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कोची रख दो बेटा, इसीलिए किचन में आते हैं, शैतानी करने के लिए आते हैं। रखो उसको। आदि कैसा लग रहा है? आदि हाय हाय, हेलो, कैसे हो दादाजी? अच्छे से झुलाओ। हाय कैसे हो? हाय
बाबू हाय। बाबू झूला झूल रहा है, यम्मी। आदि कैसा लग रहा है? हेलो हाय। हेलो बेबी हाय। बाय 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 बेटा, बाय बाय। वाओ वाओ। कैसा लग रहा दी? हेलो हाय आदि, कैसा लग रहा है? हाँ बेटा, मजा आ गया? बाबू को मजा आ गया? हाय हाय। वाओ नाइस बाबू, स्काई स्काई स्काई। नाइस यम्मी बाबू, अच्छा लग रहा है? वाओ वेरी गुड। हेलो बेबी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? बाय 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 आदि, बाय बाय आदि, बाय बाय। ये देखो, बाय बाय आदि, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अब जाके मैं किचन से बाहर निकली हूँ और ये देखिए आदि को। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? ये जो पानी गर्म करके सेकने वाला है, कहीं पे दर्द हो तो आप पानी गर्म करके डाल दो और सेक लो तो ठीक हो जाता है। वही आद्विक सर के ऊपर रख के बोल रहे हैं गुब्बारे वाले। बात कर लो फ्रेंड से। हाय। कार चला रहे हो? एक कार एक दिन के अलावा दूसरे दिन नहीं चल सकती, इनकी टूट जाती है तुरंत। ब्लू कार और साइड में टीवी भी चल रही है। टूट गया? तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, नया थोड़ी नहीं रहेगा। रेनबो है। सारी कार तोड़ देते हो। वो देखिए, मंदिर के पास चेयर रखी हुई है कि आदि ना जाए वहाँ पे। और मैंने सोचा बहुत दिन हो गए थे आद्विक से आप लोग मिले भी नहीं थे, तो आद्विक से आप लोगों को मिलवा भी देते हैं। जहाँ पे रोशनी पड़ रही है वहाँ पे अच्छी वीडियो बन रही है, और जहाँ पे मतलब अंधेरा है तो वहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी अंधेरा जैसे वीडियो लग रहा है। तो जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे काफी अच्छी रोशनी पड़ रही है, इसीलिए क्या हुआ? एक सेकेंड आओ गोदी देने। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सब्जी भी हमारी बन गई है। और ये देखिए आद्विक को देखिए, अभी अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। पहले मैं धनिया की पत्ती कट कर लूं। गिर जाओगे बेटा? फ्रेंच फ्राइज चॉकलेट खाओगे? कुकीज चाहिए? कुकीज चाहिए आपको? ईटिंग करना है आपको? नहीं करना है। ची, ची। ये देखो आप कहीं मत टच करो, बैठो। नो आप देखो, फ्रेंड्स को देखो। ये देखो, वाओ टेस्टी। वाओ टेस्टी। वाओ टेस्टी नहीं है? ओके आप मत खाना ना। और रोटी बनानी है तो रोटी बाद में बनाऊंगी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है। रोटी और एग की सब्जी है। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। तो अब हम सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स आप रूम जिस रूम में मैं बैठी हूँ आप लोग देख सकते हो कितना सामान फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पिलो कवर भी नहीं लगा है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। और ये सब सामान ये सब ठीक मैं कल करूंगी, आज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और अब ठीक भी क्या करूंगा, रात के बज रहे हैं 11:30, तो अब तो ठीक नहीं करूंगी क्योंकि कल मॉर्निंग में ही ठीक करूंगी। और आज भैया काफी देर तक काम कर रहे थे इसलिए नहीं हो पाया, वरना मैं शाम को हमेशा मतलब कपड़े वपड़े सब तह करके लगा देती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं पिलो कवर भी चढ़ा दूंगी यहाँ पे भी और नीचे भी, बट नहीं हो पाया क्योंकि शाम को जब मैं यहाँ मैं सोची एक जगह जब चढ़ाऊंगी तो दोनों जगह चढ़ा दूंगी, बट वही हुआ कि भैया आज 8:30 रात तक काम कर रहे थे, आज वो फ्री नहीं थे। और फिर मतलब वो कॉलिंग पे रहते हैं तो फिर ऐसा रहता है ना कि कुछ काम करो कुछ खटपीट करो, आदमी भी आवाज करते हैं तो फिर उनको डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए नहीं आए कोई। और बिस्तर भी नहीं ठीक हुई, तो वैसे भी अब कोई यहाँ पे सोने वाला नहीं है, अभी रूम खाली रहता है, रात में रूम खाली रहता है, कभी कभी हम लोग सो जाते वरना खाली रहता है। तो अब ये कल मॉर्निंग में मैं उठूंगी तो सबसे पहले ये रूम ठीक करूंगी और उसके बाद फिर कोई काम करूंगी। तो नीचे अभी और नीचे भी कल सुबह मॉर्निंग में ही कवर चढ़ा दूंगी पिलो में, और ये सब चीजें और सारा रूम फैला हुआ है। तो ये होता है ना कि काफी लोग सोचते हैं कि अरे रूम सब फैला हुआ है कैसे है, मतलब कैसे रहती है, पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है ठीक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक करते हैं, रूम भी ठीक करते हैं, कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करते हैं, बट वही है ना कि आदमी भी रहते हैं तो फैलाते रहते हैं, एक सामान ठीक करो तो दूसरा सामान फैला देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर लगता है कि थोड़ी देर खेल लें फिर फैला लें, फिर उसके बाद जब फ्री होंगी इकट्ठा तो फिर सारा काम अच्छे से करेंगे सब। तो वही सब चीजें हैं। और जैसे कि अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो 1 घंटा पहले मैं सब सेट करूँ उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो फिर यही आप लोगों को भी लगेगा ना कि मतलब वीडियो में बनाती क्या है, क्या करती है वीडियो में, कि सारा सामान इसका ठीक ही रहता है तो क्या ब्लॉग बनाती है। तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग मतलब अगर रियल ब्लॉग में बनाऊंगी तो फिर ये सब चीजें फैली रहेंगी, तो फिर मैं ठीक करूंगी तो आप लोग देखोगे, तो फिर यही सब रियल ब्लॉग है। और ऐसा नहीं है मैं जैसे मतलब मैं जैसे डेली रहती हूँ ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसा ही आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ, क्योंकि जब डेली रूटीन जो होता है मेरा मतलब ऐसे ही रहता है। लेकिन ये है कि डेली मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चा भी देखना, ऊपर से काम वाम भी रह जाता है, तो फिर इसीलिए नहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन हाँ धीरे 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 मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ पूरा रूटीन भी शेयर करूं। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा हो सकता है मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूं कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। और तो बस फ्रेंड्स यहीं तक आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। और आप लोग बोलोगे कि ब्लॉग ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ब्लॉग ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। सो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे 11:30 और मैं फ्री हो गई थी, 10:30 मैं फ्री हो गई थी, मतलब खाना वाना खा के एकदम फ्री हो गई थी। और उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा टीवी देखा, फिर मम्मी से बात किया, ऐसे मतलब अब बज गए 11:30 और मैं थोड़ा फ़ोन भी चलाने लगी थी, मैं भूल गई थी वीडियो एंड करना है, बट मुझे याद आ गया अचानक से, मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें भी कर लूँगी और वीडियो को एंड भी कर दूँगी। डेली डेली का वीडियो एंड रहता है तो सही रहता है, वरना एक ही वीडियो 2 दिन तक चल जाता है तो काफ़ी लंबी वीडियो भी हो जाती है, तो इसीलिए। और आज 24 तारीख से यहाँ पे पार्क में जहाँ पे मतलब हम लोग रहते हैं सामने पार्क है वहाँ पे रामलीला भी हो गया, तो मैं तो खैर नहीं देखने जाऊंगी, तो वैसे ये लोग जाएंगे और मंडली आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये लोग करेंगे, मतलब ऐसे मोहल्ले के लोग कोई नहीं करेगा, मंडली आएगी तो फिर वही लोग रामलीला करेंगे। और एक झूला वाले अंकल थे उनको भी कंफ्यूजन हो गई थी, वो सोचे कि मतलब आज ही मतलब मेला वाला कुछ ऐसा लगेगा, उनको कुछ ऐसा लगा था इसीलिए वो झूला लेके आ गए थे। और आद्विक ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया, झूले पे खूब ज़्यादा आद्विक ने बैठा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, वो वीडियो इन्होंने बना लिया था, मैंने इनसे बोल दिया था कि आप वीडियो बना लीजिएगा,
तो इन्होंने बना लिया। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, आप लोग देखना। आज भी कितना ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और ये देखिए पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरे बिस्तर उसका सब कुछ हट गए हैं। आज मैं दोपहर में बिस्तर नहीं सेट कर पाई थी, दोपहर में क्या शाम को नहीं सेट कर पाई थी, क्योंकि आज भैया काफी देर तक काम कर रहे थे तो इसीलिए मैं बिस्तर नहीं सेट कर पाई एंड कपड़े भी नहीं सेट की। तो अब ये सब अभी नहीं करूंगी, अब जो भी करूंगी कल सुबह ही करूंगी। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का छोटा सा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एंड